सो द नेक्स्ट टॉपिक इन इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सिस दैट इज क्राप अभी क्राप होता क्या है द सेम काइंड ऑफ प्लाट्स ग्रो ऑन ए लार्ज स्केल डेट कॉल एज क्राप मैं यहां पर एग्जाम्पल यहां पर मैं दिखाऊंगा कि क्राप होता क्या है फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए पीस ऑफ लैंड एंड दिस पीस ऑफ लैंड कंटेन्स सम प्लान्ट राइस सम प्लान्टर एग्जाम्पल वीट डिफरेंट प्लाट्स आर प्रेजेंट हेयर डिफरेंट प्लाट्स आर प्रेजेंट हेयर सो वी हैव हेयर ए पीस ऑफ लैंड सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाट्स आर प्रेजेंट हेयर कुछ प्लाट्स दो चार प्लाट्स आर फॉर एग्ज़ाम्पल वीट के है दो चार प्लाट्स किसी और क्राप के है प्रोटीन क्राप के होंगे पल्स वगैरह या ऑयल सीड्स वगैरह या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स कुछ कुछ दो दो तीन तीन, -तीन प्लाट्स यहाँ पे होंगे तो इस वाले एरिया में जितने भी प्लाट्स है उनको हम क्राप नहीं बोलेंगे लेकिन क्राप हम किसको बोलेंगे अगर ये हमारे पास पीस ऑफ लैंड है बट दिस पीस ऑफ लैंड कंटेन हेयर ऑनली वन टाइप ऑफ ए क्राफ यानी कि वो वाला क्राप जो कि लार्ज स्केल में होगा फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई लैंड का पीस है एंड दिस कंटेन्स हेयर ऑनली राइस प्लांट्स तो ज्यादा यहां पे राइस प्लांट्स है मे बी यहां पे और भी कुछ अनवांटेड प्लांट्स हो सकते हैं लेकिन वो अनवान्टेड प्लांट्स हमें नहीं चाहिए लेकिन हमें चाहिए क्या किसका प्रोडक्शन हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए दैट्स हेयर दी राइस तो यही हमने बताया कि यहाँ पे क्राप राइस जो है यहाँ पे क्राप है यहाँ पे हमने राइस को भी देखा यहाँ पे हमने मस्टर्ड को भी देखा दो तीन प्लांट्स मस्टर्ड है दो तीन प्लांट्स राइस है और भी दो तीन प्लांट्स यहाँ पे फोडर प्लांट्स है दो तीन प्लांट्स यहाँ पे पालसिस के प्लांट्स है तो यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे क्राप नहीं बनेगा लेकिन क्राप वो बनेगा जो कि लार्ज स्केल पे पाया जाता है इन ए पीस ऑफ लैंड इन ए पर्टिकुलर फील्ड दैट मीन ऑल द प्लांट्स आर हियर राइस प्लांट्स तो यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स थे हमें तो प्रोडक्शन तो नहीं मिलेगा कुछ प्रोडक्शन राइस का मिलेगा कुछ प्रोडक्शन उसका मिलेगा तो प्रोडक्शन बराबर नहीं होगा तो पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे क्या कहूंगा कि राइस जो हमारे सारे फील्ड में है तो ये लार्ज स्केल में है दैट्स कॉल्ड एज क्राप अब ये जो क्राप्स होते हैं इसके बहुत सारे अब टाइप्स होते हैं टाइप्स ऑफ क्राप्स तो बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं तो फर्स्ट हम देखेंगे यहां पे सिरल्स तो सिरल्स आप कौन से क्रॉप्स होते हैं सिरल्स आपको ये याद रखना है दीज आर फर्स्ट क्रॉप्स टू बी कल्टिवेटेड सिरल्स वो क्रॉप्स है जिनको पहले कल्टिवेट किया गया first to be, first फर्स्ट क्रॉप्स टू बी फर्स्ट क्रॉप टू बी कल्टिवेटेड सिरल्स फर्स्ट क्रॉप है जिसको कल्टिवेट किया गया और सिरल वो क्राप्स होते हैं दीज आर दो क्राप्स विच आर रिच इन स्टार्च स्टार्ज क्राप्स रिच इन स्टार्च स्टार्ज तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे वीट एंड मेज एट्सट्रा तो फर्स्ट सिरल टू बी कल्टिवेटेड दीज आर दो क्राप्स विच आर रिच इन स्टार्ज एंड दो एंड सेकेंड टाइप ऑफ क्राप इज हेयर दट इज पल्सिस अभी पल्सिस होते क्या है दीज आर क्राप्स विच आर रिच इन प्रोटीन्स क्राप्स आर रिच इन प्रोटीन्स क्राप्स रिच इन प्रोटीन्स दो पल्सिस एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखेंगे ग्रैम पी एंड बीन्स एक्स्ट्रा और भी बहुत सारे हैं लेकिन यहां पे एग्जाम्पल दो तीन ठीक है दूसरा तीसरा जो है दैट इज ऑयल सीड्स तो ऑयल सीड्स भी एक क्राप कहलाएगा यहाँ पे तो ऑयल सीड्स की अगर हम बात करेंगे दीज आर दोर्स ऑफ क्राप्स दीज क्राप्स आर द सोर्स ऑफ सोर्स ऑफ ऑयल यानि कि ऑयल फैट एंड फैटी एसड्स तो दीज आर द क्राप्स विच आर द गुड सोर्स ऑफ ऑयल फैट एंड फैटी एसेल्स एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहां पर देखेंगे मस्टर्ड सोयाबीन एट्सट्रा तो दीज आर दीड्स तो ऑयल सीड्स के बाद यहां पर हम फोर्थ वाला क्राप यहां पर डिस्कस करेंगे दैट इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी होते हैं दीज एक्ट्स एज ए गुड सोर्स ऑफ वाइटामस एंड मिनरल्स सो क्राप्स विच एक्ट एज गुड सोर्स ऑफ वाइटामस एंड मिनरल्स तो वो क्राप्स जिसमें वाइटामिनस भी होते हैं और मिनरल्स भी होते हैं और इसके साथ साथ इनमें इन एडिशन टू वाइटामिन एंड मिनरल्स दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन्स इनके पास स्मॉल अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन्स भी होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं एंड फ्रूट फैट्स भी इनमें हो सकते हैं और कुछ फाइबर्स भी हो, होते हैं फैट्स एंड लॉट ऑफ फाइबर्स लॉट ऑफ फाइबर्स भी इनमें होते हैं सो दीज आर कॉल्ड एज हियर फोर्थ टाइप ऑफ क्रॉप इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल नाउ द फिफ्थ वन फिफ्थ वन अगर हम यहां पर बात करेंगे दिज आर सुपाइस तो सुपाइस आर आल्सो एक्ट एज आवर इम्पॉर्टेंट क्राप तो सुपाइस आर दो विच एनहस दोज क्राप्स विच एनहस विच एनहसिंग दलेटबलिटी पलेटेबिलिटी ऑफ फूड इसका क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि टेस्ट ऑफ फूड तो ये जो स्पाइसेस होते हैं इनको हम यूज करते हैं इन इनआर टू इंक्रीज द टेस्ट ऑफ और फूड तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे चिली टर्मरिक टर्मेरिक ब्लैक पेपर एक्स्ट्रा तो स्पाइसेस कौन से होते हैं दोज फूड्स दोज क्राप्स विच इंक्रीज द पैलेटेबिलिटी विच इंक्रीज द टेस्ट ऑफ और फूड सो दिस इज द नाउ अनदर वन कॉल्ड एज फूड्स क्राफ्ट सॉरी फोडर क्राप्स हियर तो स्पाइसेस ये भी क्राप्स होंगे इंक्रीज द टेस्ट ऑफ द फूड्स तो फूड क्राप्स फोडर क्राप्स वो वाले क्राप्स होते हैं तो फोडर क्राप्स विच प्रोवाइड फोडर टू तो कैटल यानी तो कि फूड टू कैटल सो so, क्राप्स विच प्रोवाइड फोडर टू कैटल तो, तो एग्जाम्पल बरसीम ओट स्वर्गम एट्सट्रा सो दीज आर ऑल द फोडर क्राप्स फोडर क्राप्स आर दोज क्राप्स विच प्रोवाइड द फोडर टू द कैटल सो दीज आर कॉल्ड एज फोडर क्राप्स तो यही हमने कहा कि क्राप होता क्या है वो, वो वाले प्लांट्स जो कि प्रेजेंट होंगे लारी स्केल इन एनी फील्ड दैट्स कॉल्ड एज हेयर क्राप द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन ऑन लार्ज स्केल कल्टिवेट कल्टिवेट इन द फील्ड तो क्राप क्या होता है द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन ऑन लार्ज स्केल कल्टिवेट इन द फील्ड दैट्स कॉल्ड एज क्राप तो क्राप के बहुत सारे टाइप्स होते हैं सिरेल्स होते हैं दोज क्राप्स विच आर रिच इन स्टार्च तो फर्स्ट कल्टिवेट क्रॉप सिरल्स ही थे पल्सिस crops which are rich in proteins oil seeds crops which are rich in oil fat and fatty acids fruits which provide us vitamins minerals and also in addition to these vitamins and minerals these fruits and vegetables contain carbohydrates fats proteins and lot of fibers spices which increase the palatability of food which increase the taste of food fodder crops those crops which provide forward to the cattle so this is all regarding the crops